नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए जल्दी से आपको बिहार का कोरोना का ताजा सरकारी आंकड़ा बता देते हैं। तो बिहार में लंबे समय बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से कम हुई है और फिलहाल बिहार में 49,311 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा कोरोना से अगर हम मौत की बात करें तो अब तक कुल मौत हो चुकी है 4,339 और पिछले 24 घंटे में 98 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 5,154 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात ये कि 10,151 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक भी हुए। इसके अलावा अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों में रिकवरी रेट में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और रिकवरी रेट बिहार का है 92.12%। मतलब 100 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद अगर अस्पताल में भर्ती हुए तो उनमें से 92-93 लोग जो हैं वापस स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जो अच्छी खबर है, राहत भरी बात है। पिछले 5-7 दिन पहले के अगर हम रिकवरी रेट से अभी के ताजा रिकवरी रेट को कंपेयर करें तो। चलिए अब जिलेवार कुछ आंकड़े आपको बता दें। अगर हम एक्टिव मरीजों या कोरोना के एक्टिव केसेस के लिहाज से बात करें तो अभी भी टॉप जिला बना हुआ है पटना। पटना में 7,095 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर, जहां 3,221 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है मधुबनी, जहां 2,243 कोरोना के एक्टिव केस हैं। चौथे नंबर पर है सुपौल, जहां 2,190 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पांचवें नंबर पर है नालंदा, जहां 2,181 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में किस जिले में सबसे ज्यादा कोरोना ने अपना पांव पसारा है, नए केस कौन से जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। तो यहां पर भी टॉप पर बना हुआ है पटना, जहां सिर्फ पिछले 24 घंटे में 981 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर नई एंट्री हुई है, दरभंगा दूसरे नंबर पर आ गया है 24 घंटे में नए केसेस के लिहाज से। और यहां पर पिछले 24 घंटे में 376 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। मतलब अब दरभंगा वासियों को बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि दरभंगा भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन सकता है अगर हमने लापरवाही बरती तो। तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर, जहां 259 नए लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। चौथे नंबर पर है गोपालगंज, जहां 229 लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पांचवें नंबर पर है बेगूसराय, जहां 199 लोगों में कोरोना संक्रमण की पिछले 24 घंटे में पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर यह समझा जाए कि अभी बिहार बेशक कोरोना को लेकर आंकड़े जो हैं बिहार के वो सुधर रहे हैं, सरकारी आंकड़े जो हैं उसमें कमी आ रही है। लोग जितने संक्रमित हो रहे हैं उससे डबल संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से जो है निश्चिंत होने वाली स्थिति नहीं है। अभी हमें कुछ दिन और घर में रहना होगा, कुछ दिन और मास्क पहनकर निकलना होगा और साथ ही लगातार सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना होगा। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज भी करना होगा। साथ ही मौका मिलते ही हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम वैक्सीन के दोनों डोज ले लें, ताकि हमारा शरीर जो है कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो सके। आपकी सावधानी को या आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कोरोना को लेकर देश जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है उसे ध्यान में रखते हुए लगातार बिहार तक की टीम घर से ही काम कर रही है, ताकि बिना बाहर निकले खबर आप तक पहुंचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम निभा सकें और कोरोना का जो चेन है, जो संक्रमण की रफ्तार है, उसको हम रोक सके, चेन को हम तोड़ सके। इसलिए हम घर में रहकर ही आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। उम्मीद यही कि आप भी बेवजह घर से नहीं निकलते होंगे और इस त्रासदी की स्थिति में अपना ध्यान रखते होंगे। और साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।